तो सबसे पहले तो आपको जो है तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से ही जो मेरी फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है। तो मेरी जो YouTube की पेमेंट आई है, फर्स्ट पेमेंट वो आई है। तो दोस्तों आज के जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जो YouTube की फर्स्ट पेमेंट है वो आ चुकी है बहुत दिन पहले, पर मुझे जो है कल पता चला, क्योंकि कल मैं बैंक में गया था, वहां पर मैंने चेक किया तो वहां पर जो है फर्स्ट पेमेंट आ चुकी थी। तो मुझे इतने दिन बाद कैसे पता चला, क्योंकि मेरे जो बैंक में मोबाइल नंबर थे वो वहां पर रजिस्टर नहीं थे, उसकी वजह से मुझे मैसेज नहीं आया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पर कुछ बहुत ही दिनों पहले यहाँ पर जो है मेरी फर्स्ट पेमेंट आ चुकी थी, और वो जो आई थी वो आई थी 27 सितंबर को। एडसेंस से जो 27 सितंबर को मेरी जो फर्स्ट पेमेंट थी यूट्यूब की, वो यहाँ पर मेरे बैंक अकाउंट में आ चुकी थी। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरी फर्स्ट पेमेंट आई कितनी है, मुझे क्या क्या दिक्कत हुई, कितना टाइम लगा मुझे, सारा कुछ मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए दोस्तों आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मेरा यूजर नेम है rohit_ अभी आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे, तो मुझे आप जाकर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपको जो है YouTube की फर्स्ट पेमेंट लेने में क्या क्या दिक्कत आ सकती है। मुझे तो कुछ भी नहीं आई, सिर्फ कुछ टाइम लगा, मतलब थोड़ा सा टाइम लगा, पर जो है कुछ भी मुझे दिक्कत नहीं आई, कोई सा भी यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो है आपको जो है फर्स्ट पेमेंट लेने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो है अपने यूट्यूब चैनल से फर्स्ट पेमेंट लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, और कब जाके आपके फर्स्ट पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आती है। तो सबसे पहले तो आपको सभी को पता होगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल होता है उस पर जो है 1K सब्सक्राइबर और 4000 आवर का वॉच टाइम होना चाहिए, तभी जो है हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है और हमारा यूट्यूब चैनल से अर्निंग स्टार्ट होती है। अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं है तो आपको पहले वो कंप्लीट करना पड़ेगा। उसको कंप्लीट होने के बाद आप जो है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पर जो है कुछ टाइम लग सकता है आपको, 1-2 दिन या फिर 3-4 दिन या फिर 1 हफ्ता, और आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा। और आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज होने के बाद आपके जो अर्निंग होती है वो स्टार्ट हो चुकी होगी। वहाँ पर जो आपकी अर्निंग है वो दिन ब दिन वहाँ पर जो है बढ़ती रहेगी। और जब आप अपने अर्निंग से $10 कम्प्लीट कर लोगे तो $10 कम्प्लीट करने के बाद आपको जो है गूगल का पिन आता है, जो कि हम अलाउ करते हैं, मतलब उसको जो है एग्री करना पड़ता है, तभी जो है हमारे एड्रेस पर जो है वो पिन आता है। उस पिन को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और उस पिन को आपको मतलब $10 होने के बाद आप उस पिन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई होने के बाद 15 से 20 दिन या फिर 10 दिन का टाइम लगेगा, मुझे तो लगा। मुझे जो है 10 से 15 दिन के अंदर जो है वो पिन मिल चुका था, जो कि गूगल का था। मैंने यहाँ पर जो है अप्लाई किया, अप्लाई होने के बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाता है, और आपको जो है आपकी अर्निंग और भी यहाँ पर बढ़ती रहती है। जब आपकी अर्निंग $100 हो जाती है आपके एडसेंस में, तब आपको जो है आपका बैंक अकाउंट ऐड करना रहता है। अगर आपको इस सभी के बारे में नहीं पता किस तरह से क्या करें, तो मैंने जो है सभी के ऊपर एक एक वीडियो बना रखी है प्रॉपर, कि किस तरह से हम किस क्या कर सकते हैं जिससे जो है हमारी जो फर्स्ट पेमेंट है या फिर हमारा गूगल का पिन होता है वो वेरीफाई करे, सारा कुछ मैंने वीडियो बना रखी है। तो आप जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हो। और आपको जो है बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद जो है आपको वहां पर आपको डालना पड़ेगा आपका बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नंबर, और आपको स्विफ्ट कोड डालना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ स्विफ्ट कोड की, तो मुझे जो है बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे जो है स्विफ्ट कोड गूगल से पता चल गया था। मैंने पहले से वीडियो बना रखी है प्रॉपर, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। और वहां पर मैंने आपको बताया स्विफ्ट कोड कैसे पता करें, मैंने भी उसी तरीके से पता किया और वहां पर मैंने डाल दिया, और मेरे जो है फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है। तो जैसे आपके यूट्यूब पर डॉलर बनते हैं, डॉलर बनने के बाद हर महीने की 8 तारीख को आपके एडसेंस जो होता है उसमें जो है वो डॉलर चले जाते हैं। एडसेंस में जाने के बाद आपके 27 से 28 या फिर 22 तारीख को जो है वो जो पैसा होता है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको जो है फर्स्ट पेमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं कि मुझे जो है फर्स्ट पेमेंट मतलब $100 कंप्लीट करने में मुझे कितना टाइम लगा, तो यहाँ पर जो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो है 2 महीने का टाइम लगा। मेरे 2 महीने में जो है $100 से प्लस मैंने जो है कंप्लीट कर लिए थे, और 2 महीने के अंदर जो है मेरे जो $100 है वो कंप्लीट हो चुके थे। और अगर मैं बात करूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है अर्निंग स्टार्ट होने में कितना टाइम लगा, तो करीब 8 से 9 महीने जो है मुझे अर्निंग स्टार्ट करने में लग गया। इतने टाइम से पहले मतलब आप मान सकते हो 1 साल की मेहनत है जो कि आज आई है, जो कि मैं आज बहुत खुश हूँ। तो इतना खुश हूँ मैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट पेमेंट की जो खुशी होती है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होती है। चाहे आपको जो है बाद में कितने ही रुपये मिल जाए, पर फर्स्ट पेमेंट चाहे 1 रुपया हो, बहुत ही आपको अंदर से खुशी मिलती है। और अगर मैं बात करूँ अब जो है मेन पॉइंट, जो कि मेरी फर्स्ट पेमेंट आई कितनी है, तो मेरी जो फर्स्ट पेमेंट है वो मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता आपको, क्योंकि YouTube की गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो मैं आपको बता दूँ एक प्रोडक्ट के बारे में, जिसको आप सर्च करके देख लेना गूगल पर, उसकी प्राइस आपको पता चल जाएगी उतनी मेरी जो है फर्स्ट पेमेंट आई है। तो मैं आपको बता दूँ कौन सा प्रोडक्ट है वो। तो प्रोडक्ट का नाम है एक मोबाइल फोन है जिसका नाम है ओप्पो A12।
जिसको आप सर्च करोगे गूगल पर जाकर, तो आपको उसकी रेट पता चल जाएगी कितने उसकी जो है प्राइस है। उस प्राइस के हिसाब से मेरी जो है पेमेंट आई है, उसकी प्राइस देख लेना एग्जैक्ट, उतनी की उतनी मेरी जो है पेमेंट आई है, उससे कुछ ज़्यादा होगी कम नहीं है। मेरी जो पेमेंट है वो यहाँ पर आ चुकी है, और मैं जो है मतलब बहुत ही खुशी होती है जब भी हमारी जो है फर्स्ट पेमेंट आती है, चाहे 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, या फिर 1,000 आओ, या फिर 2,000, या फिर 1,00,000 आओ। फर्स्ट पेमेंट आने पर जितनी खुशी होती है, उतनी खुशी भले आप जैसे आपके 1,000 आए हैं तो 1,000 में आपको उतनी खुशी मिलेगी जितने आपके 1,00,000 आने में नहीं मिलेगी। तो ये थी मेरी जो फर्स्ट पेमेंट मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। और चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।